तो हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने किस तरह से इस बोतल को बंदूक बना दिया था और हमने फायर किया था अपने हाथ से। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं इसके साथ एक और एक्सपेरिमेंट और मैं इसमें लगाने वाला हूं बोतल के कैप्स। तो कैप्स लगाने से पहले मैंने इसमें यहाँ पर किया है इसमें बोतल में ढक्कन में छोटा सा छेद ताकि हम इसको बना सकें एक रॉकेट। हमें सेम वही प्रोसेस करना है लेकिन इस बार हम इसे हाथ में शूट नहीं करेंगे, हम इसे ज़मीन पर रखने के बाद इसमें लगाएंगे आग और देखते हैं कि क्या ये रॉकेट की तरह जाती है या ये नहीं जाती है। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से रॉकेट में पूरे बड़े एरिया में फ्यूल भरा होता है और छोटे से नोज़ल से वो फ्यूल बाहर निकलता है जिससे क्या होता है, थ्रस्ट पैदा होता है और रॉकेट आगे जाता है। तो हमें भी यही करना है। हमारे पास है ये पूरा रॉकेट, इसके अंदर हम भरेंगे फ्यूल और ये फ्यूल निकलेगा जब आग लगाने पर इस छोटे से नोज़ल से। तो जब इस छोटे से नोज़ल से ये निकलेगा, देखना है कि ये वापस ये आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता। और साथ में हम करेंगे एक और चीज़, हम लेंगे यहाँ पर एक इस तरह की कुप्पी जो आपके घरों में भी शायद मिल जाती है, इसमें ऊपर ये चोंच होता है। मैंने यहाँ पर ये थर्मोकोल लगाया है इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम करने के लिए, इसको आगे से पतला बनाने के लिए ताकि जब ये रॉकेट बने, अगर बनता है तो ये आगे जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले तो हम लगाएंगे इसमें आग और इसको बनाएंगे रॉकेट और उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर हम ट्राई करेंगे इस पर क्या ये भी रॉकेट बनने लायक है। तो यही करेंगे हम आज चेक। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अब हम बना पाते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर ये थोड़ा सा इसमें स्पिरिट डाल लिया है, हमारे पास में अवेलेबल था जो कल जिससे हमने रॉकेट फ्यूल बनाया था। तो हमने यहाँ पर इसको डाल लिया है, पूरी बोतल में इसे घुमा लिया है। अब ये बोतल हो गई है रेडी, इसमें भर चुका है रॉकेट फ्यूल और यहाँ पर हमारे पास में नोज़ल है छोटा सा, इसमें हम लगाने वाले हैं आग। तो हमें इसमें आग लगाने के लिए क्या चाहिए, सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी। और आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि दोस्तों, हम जो यहाँ पे प्रयोग करते हैं, मैं जो यहाँ प्रयोग करता हूँ उसका रिज़ल्ट हमें नहीं पता होता है, तो इसलिए आप लोग भी ऐसा भी कुछ भी घर पर करने की ट्राई ना करें, ये ख़तरनाक हो सकता है। तो हम भी यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान रखेंगे और पहले जलाएंगे मोमबत्ती और मोमबत्ती के थ्रू इसमें लगाने वाले हैं आग। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बिल्कुल रेडी हैं, हमारे पास है बोतल, हमारे पास है नोज़ल, हमारे पास है आग लगाने के लिए मोमबत्ती। दोस्तों, हमें लगानी है आग, जल्दी से देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, आग लगी लेकिन ये आगे नहीं बढ़ी। हो सकता है कि शायद पेट्रोल फ्यूल कम हो या हो सकता है इस नोज़ल कुछ ज़्यादा ही छोटा है, थ्रस्ट इतना बन नहीं पा रहा है। तो इसके लिए हम करेंगे दोबारा से प्रयोग। तो दोस्तों, इस बार मैं आ चुका हूँ इस छोटी बोतल के साथ में, यही एक्सपेरिमेंट हम करेंगे छोटी बोतल के साथ में। ये थोड़ी सी हल्की होती है वज़न में, तो देखते हैं ये काम करती है नहीं। इसका रैपर निकाल लेता हूँ मैं। में लगाते हैं ये ढक्कन। इसको रखते हैं यहाँ पर। दोस्तों, अब देखते हैं कि अब इसमें आग लगती है या नहीं। दोस्तों, थोड़ा सा चला। तो दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है कई बार। कई बार चीज़ें कुछ अलग हो जाती हैं हमारी सोच से, पर हमें उनसे सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि हमने क्या गलतियां करी थी और हमें उस गलती को पूरा करके दोबारा एक नए वीडियो में उसको करके दिखाना चाहिए। तो मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी गलतियों से, आज जो मैंने गलतियाँ करी उनसे मैं सीखूँगा कि मेरी कहाँ कमी रही, किस वजह से ये रॉकेट नहीं बना ढंग से, और फिर मैं उसको ओवरकम करके आपके पास लौटूंगा एक नए वीडियो में जिसमें हम अपने रॉकेट को दोबारा से बना के और चला के देखेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।